हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सभी के लिए अरबी की सब्जी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे इंग्लिश में कोलोकेशिया भी बोलते हैं। और आज हम इसे बहुत ही सिंपल तरीके से बनाने वाले हैं, जो बहुत ही झटपट और आसानी से बन जाती है। तो चलिए देखते हैं कि दही वाली अरबी की सब्जी कैसे बनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे, जिसमें मैंने लगभग 3 बड़े चम्मच तेल ऐड किया है। और तेल को हम अच्छी तरह से गर्म होने देंगे, उसके बाद इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच राई, और राई को अच्छी तरह से हम क्रैकल होने देंगे या फूटने देंगे, क्योंकि राई अच्छी तरह से फूटने के बाद ही उसका टेस्ट आता है। और इस सब्जी में आप राई का तड़का ज़रूर दें, उससे ग्रेवी में बहुत ही अच्छा टेस्ट ऐड होता है। तो चलिए राई फूट गई है, तो अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच मेथी दाना, 1 छोटा चम्मच जीरा, 1/2 छोटा चम्मच हींग, 1 सूखी लाल मिर्च और साथ में ही 2 तेज पत्ते। अब चलिए इसे भी हम 1 मिनट तक फ्राई करेंगे, या इसे तब तक फ्राई करें जब तक कि इसमें से हींग की और साथ में ही मेथी दाने की अच्छी खुशबू ना आने लगे। और इसी के साथ मैंने ऐड कर दिया है थोड़े से करी लीव्स, और इसे भी मिक्स करके हम चलिए तड़के को कुछ सेकेंड्स के लिए फ्राई करेंगे। मैंने इसे लगभग 1 मिनट तक लो हीट पर फ्राई कर लिया है। तड़के से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है मेथी दाने की और साथ में ही राई और जीरे की। तो चलिए अब हम इसमें ऐड कर देते हैं प्याज और कुछ हरी मिर्चें। तो मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, जिसे फाइन चॉप किया है, और साथ में ही हरी मिर्च को मैंने तोड़कर ऐड किया है। आप चाहें तो हरी मिर्च को फाइन चॉप करके भी डाल सकते हैं। तो चलिए हम प्याज को अब अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। प्याज को अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद ही हम उसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। तो चलिए प्याज को अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं, ताकि वो सॉफ्ट हो जाएं। तो आप देख सकते हैं कि प्याज फ्राई हो गए हैं, उसका कलर भी चेंज हो गया है। तो अभी गैस का फ्लेम हम लो करेंगे, और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसे भी हम थोड़ा देर तक फ्राई कर लेंगे, ताकि इसकी कच्ची स्मेल चली जाए और उसमें से अच्छी खुशबू आने लगे। अदरक लहसुन का पेस्ट भी फ्राई हो गया है, इसमें से अच्छी खुशबू आ रही है। तो चलिए अब इसमें हम कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे। सूखे मसालों में मैंने लिया है 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। आपको जितना तीखा खाना पसंद है, आप इसमें उतना ही लाल मिर्च ऐड करें। और साथ में ही मैंने ऐड कर दिया है 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी। कसूरी मेथी ऐड करने से ग्रेवी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, और इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू भी आती है। तो चलिए इसे हम कुछ सेकंड्स के लिए फ्राई कर लेते हैं। सूखे मसालों के फ्राई होने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 मीडियम साइज़ का टमाटर, जिसे मैंने फाइन चॉप किया है, और इसके साथ ही इसी टाइम पर हम इसमें ऐड कर देंगे स्वाद के अनुसार नमक। टमाटर को फ्राई करते वक्त ही अगर हम उसमें नमक ऐड करते हैं, तो नमक की वजह से टमाटर अपना पानी जल्दी छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से वो जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं और उसका कुकिंग टाइम भी कम हो जाता है। तो चलिए अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करके टमाटर को हम सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। मैंने टमाटर को लगभग 2 मिनट तक लो हीट पर पका लिया है। आप देख सकते हैं कि 2 मिनट के बाद ही टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं। अब हमारे मसाले अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं, और मसालों के अच्छी तरह से फ्राई होने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे बॉईल किए हुए अरबी। मैंने यहाँ पर 400 ग्राम अरबी ली है, जिसे मैंने पहले ही उबाल लिया था, और उसके छिलके निकाल के उसे मीडियम साइज़ के पीसेस में कट कर लिया है। तो चलिए अब इसे पैन में ऐड कर देते हैं, और मसालों के साथ इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसे मिक्स करते वक्त हल्के हाथों से ही मिक्स करें, क्योंकि हमने अरबी को ऑलरेडी उबाल कर रखा है, जिससे वो थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं। तो इसे जेंटली ही मिक्स करें, क्योंकि अगर आप जेंटली मिक्स नहीं करेंगे तो अरबी मैश हो जाएंगे। तो चलिए इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अरबी को हम 5 मिनट तक मीडियम हीट पर फ्राई कर लेंगे। और इसे फ्राई करते वक्त इसे बीच में 1 से 2 बार ही चलाएं, क्योंकि अगर बार बार चलाएंगे तो अरबी टूट जाएगी। और अरबी को फ्राई करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अरबी थोड़ी स्टिकी होती है, तो फ्राई करने से उसका जो चिपचिपापन है वो ख़त्म हो जाता है, और साथ ही ग्रेवी में टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है अगर आप अरबी को फ्राई करते हैं। तो मैंने यहाँ पर नॉनस्टिक पैन का यूज़ नहीं किया है, इसलिए अरबी थोड़ी थोड़ी चिपक रही है। अगर आप नॉनस्टिक पैन का यूज़ करते हैं तो वो नहीं चिपकेगी। तो चलिए इसे ऐसे ही बीच में एक बार चला लें, और इसे 5 मिनट तक फ्राई कर लें। अरबी को मैंने लगभग 5 मिनट तक फ्राई कर लिया है। आप इसे चाहें तो ऐसे ही एज अ ड्राई सब्जी रोटी या पराठा के साथ खा सकते हैं, लेकिन हम दही वाली अरबी बना रहे हैं। तो चलिए इस टाइम पर हम इसमें ऐड कर देंगे 1.5 कप बटर मिल्क,
मैंने लगभग 5 बड़े चम्मच दही ली है, यानी खट्टी दही, और साथ में 1 कप पानी ऐड करके उसका एक थिन बैटर बना लिया है। और इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसे इसमें ऐड कर देंगे। चलिए अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, और इसे हल्के हाथों से ही मिक्स करेंगे ताकि ये टूटे ना। और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम गैस का फ्लेम हाई करेंगे और हाई फ्लेम पर इसे कंटिन्यूसली स्टर करते हुए एक बॉईल आने तक पकाएंगे। ध्यान में रहे कि इसे हमें कंटिन्यूसली चलाते रहना है, नहीं तो दही फट सकती है। तो चलिए इसे हम एक बॉईल आने तक पका लेते हैं और स्टर करना ना भूलें। लगभग 5 मिनट के बाद ही आप देख सकते हैं कि इसमें उबाल आ गया है। तो इसी टाइम पर हम गैस का फ्लेम लो करेंगे और इसी टाइम पर साथ में ही हम ऐड कर देंगे 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, और इसे भी एक बार मिक्स कर लेंगे। सभी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं, तो चलिए अभी पैन को कवर करके अरबी को हम दही और मसालों के साथ 7 से 8 मिनट तक लो हीट पर पका लेंगे, ताकि अरबी में मसालों का और दही का बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाए। अगर आपको इस टाइम पर लगता है कि ग्रेवी थोड़ी थिक है, तो आप 1.5 कप की जगह 2 कप बटर मिल्क का यूज़ कर सकते हैं। और इसे पकाते वक्त आप इसे बीच में 1-2 बार स्टर कर लें, क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि अरबी बेस पर चिपक जाती है तो वो जल सकती है। तो लगभग 8 मिनट तक मैंने इसे कुक किया है, तो आप देख सकते हैं कि हमारी सब्जी रेडी है। तो इस टाइम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और लास्ट में हम इसमें ऐड कर देंगे बारीक कटे हुए धनिया के पत्ते, और उसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप इस दही वाली अरबी की सब्जी को रोटी, पराठा, नान या दाल राइस किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगती है, और आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कर देखिए, और बनाने के बाद अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। और साथ में ही अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है, तो मेरी वीडियो के नीचे लाइक का बटन है उसे क्लिक कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।